दोस्तों मैं हूं साबिर और आप देख रहे हैं टेक्निकल साबिर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 एंड्रॉयड कैमरा ऐप्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, टॉप 5 एंड्रॉयड कैमरा ऐप्स दोस्तों, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन पर ही DSLR कैमरे के जैसी फोटोज बना सकते हैं। जैसे DSLR कैमरे पे फोटो बनती है दोस्तों, ऐसे ही आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पे बना सकते हैं। आपके पास चाहे कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन है तो आप उस पर ये ऐप्स इंस्टॉल करके आप अपनी फोटो को DSLR कैमरे के जैसी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके दोस्त देखेंगे तो उनको यकीन भी नहीं आएगा कि ये आपने फोटो इसी मोबाइल पे बनाई है, उनको लगेगा कि ये जो फोटो है आपने DSLR कैमरे पे बनाई है। दोस्तों मैं आप लोगों को 5 ऐप्स हैं, कैमरा ऐप्स हैं, इनके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप फोटोज बना सकते हैं और इस एक कैमरे के अंदर कितने इफेक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, कैसे कोई भी चीज़ है, किसी भी फोटो का बैकग्राउंड जो है वो कैसे ब्लर होता है, मैं आप लोगों को ये सारा सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा टेक्निकल साबिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, घंटे के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी न्यू आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास पहले नंबर पे दोस्तों ऐप है, इसका नाम है Pixtica जो भी है दोस्तों, इसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ पे आप नेचुरल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जिस तरह चलो हम इस पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लेंस वगैरह लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, अल्ट्रा वाइड, या इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे मैं ये दिखा दूँ, इसमें इस तरह का भी एक ऑप्शन आता है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस तरह की भी फोटो इसमें अपने मोबाइल फ़ोन पे बना सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप जो इफेक्ट आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे GIF है, आप GIF फाइल बना सकते हैं, जैसे हिलने वाली फ़ोटोज़ होती हैं वो भी आप आसानी से अपने मोबाइल पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हम कोई फ़िल्टर लगा देते हैं, चलो हम ये फ़िल्टर लगा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आप हिलने वाली फ़ोटो बना सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो बूथ या जो भी है आप इस तरह की फ़ोटोज़ भी बना सकते हैं, यहाँ पे प्लैनेट है, आपको यहाँ पे इसमें दोस्तों बहुत सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी अमेजिंग सी फ़ोटोज़ वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो दूसरे नंबर पर ऐप है इसका नाम है S9 कैमरा, चलें हम इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों इस कैमरे में भी आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं मिल जाएंगे, इसमें दोस्तों आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इमोजीज वगैरह आ जाएंगे, आप कोई भी इमोजी सेलेक्ट करके अपनी फ़ोटो पे लगा सकते हैं, जो इमोजी आपको पसंद आए आप ये इमोजी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, इनमें से जो इफ़ेक्ट आपको पसंद आए, जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टच करें, यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, आप अपनी फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और बाकी फ़ोटो जो है आपकी ब्लर नहीं होगी, आपकी जो फेस है वो बिल्कुल DSLR कैमरे की तरह फ़ोटो आएगी। इसके अलावा दोस्तों नाइट सीन है, आप नाइट सीन भी क्लिक कर सकते हैं कि रात को आप अगर फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह, दोस्तों आप इस पर भी बहुत सारे फिल्टर्स लगा के अपनी फ़ोटो ज़बरदस्त बना सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी ऐप की तरफ। दोस्तों हमारे पास जो तीसरे नंबर पे ऐप है वो है 02CM, ठीक है, चलें हम इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये ऐप ओपन हो गई है, यहाँ पे आप एडजस्ट का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको ब्यूटी का ऑप्शन शो हो रहा है, आप यहाँ पे जो है स्किन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रियोन टोन है और यहाँ पे रिसाइज और यहाँ पे चिन और यहाँ पे नेरो और यहाँ पे हेयर लाइन्स, और आपको मतलब इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह दिए जा चुके हैं, आप इनमें से जो इफ़ेक्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिगर है, अगर कोई लड़की फ़ोटो बनाना चाहती है तो वो अपनी
फोटो इस तरह बना सकते हैं कि उसका मतलब, अगर आप लड़के हो, आप जो कोई भी हैं, अगर आप फोटो बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट बड़ा है तो आप फोटो में अपने पेट को इसमें छोटा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली आप जैसे सामने आएंगे तो आपने इसको यहाँ पे छोटा बड़ा करना है, तो आपकी जो पेट की साइज है वो छोटी बड़ी होती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टच अप का ऑप्शन, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिपस्टिक मिल जाएगी, यहाँ पे ब्लश होता है, जो भी है ये सारे लड़कियों की चीजें हैं। तो आईब्रो है यहाँ पे, आप ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आई लैश या जो है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह लगाने को मिल जाएंगे, यहाँ पे नॉइस वगैरह है, और ये भी आपको बहुत ही कमाल की ऐप है। आप इससे भी बहुत सारी फोटोज बना के अपने आपको खुद ज़बरदस्त ऐसे लुक दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इसके जो साइड्स वगैरह हैं, आप इसको पकड़ के ऐसे करेंगे, क्लिक करके होल्ड करके जैसे ही आप करेंगे तो आपको इसमें जो है बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह शो होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जो आपको फ़िल्टर अच्छा लगे आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जो हमारे पास चौथे नंबर पे ऐप है दोस्तों, इसका नाम है 1S10 कैमरा। चलें हम इसको ओपन करके ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो हमारे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो दोस्तों हमारे सामने ये ओपन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन शो हो रहा है स्क्वायर, आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे प्रो है, यहाँ पे फूडी है, और इसके अलावा दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो पीछे की चीज़ है दोस्तों वो ब्लर हो जाएगी, जिस चीज़ पे आप फोकस करना चाहें वो बिल्कुल ठीक ही फोटो आएगी। इसके अलावा ये प्रो है, ये स्क्वायर है, तो आप इसमें से जो है आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, आप कोई भी इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास आखिरी लास्ट नंबर पे कैमरा है दोस्तों, इसका नाम है मेरा लव मी मोर या जो भी है दोस्तों, ये आपने ये भी ट्राई कर लेना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो गई है, तो हम इसकी जैसे ये स्लाइड मारेंगे तो हमारे सामने जो है इसकी स्किन के कलर्स वगैरह जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे बहुत सारे आपको इसमें फ़िल्टर दिए गए हैं, आपको जो फ़िल्टर पसंद आए, यहाँ पे सेल्फी, यहाँ पे क्लासिक, यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह दिए गए हैं, जो आपको पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, इसमें आपको बहुत इफ़ेक्ट्स वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हार्ट का ऑप्शन है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको होल्ड कर देना है। जैसे आप होल्ड करेंगे तो यहाँ पे अगर आप स्माइली पिक बनाना चाहते हैं, सेल्फी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप अपने फेस पे मूंछें वगैरह ये इस तरह का कोई फन करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्लिक कर देना है, तो आपके फेस के ऊपर जो है ये मूंछों वाली पिक बनेगी। अगर आप जैसे ही अगर आपका फेस सामने आएगा जैसे ही, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली मूंछें लग जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, आपने सिंपली यहाँ पे ऐसे होल्ड कर देना है। जैसे आप होल्ड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी आपको इफ़ेक्ट्स वगैरह पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी का वो कैमरा सेलेक्ट करके आप इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब कैमराज में से कौन सा कैमरा सबसे ज़्यादा पसंद आया। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ 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 ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।